हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ करण कुमार को आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों, ये एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था, ये आज क्लास नंबर होगा 4। क्लास नंबर 3 तक हो चुका है, ये आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस करते हैं, मतलब क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी वे उसमें सिर्फ बेसिक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में ज्यादा आएगा, और बाकी का भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। 719 और 930 क्वेश्चन को समझिएगा। 719 और 930 दिया हुआ है, वैसी किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि शेषफल 5 और 6 आए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये दोस्तों 719 में ये -5 कर देना है, फिर 930 में 6 माइनस कर देना है। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है और शेषफल भी 2 आया है, तो बस आप इसमें जो संख्या दिया हुआ है उसको आप सिर्फ घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 714, और जब 930 में 6 जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 9। ठीक है, 2 4, ठीक है, 10 में से 6 गया 4 तो ये 2 बचा, यानी कि 924 हो जाएगा। दोस्तों क्या किए, 719 में 5 को माइनस कर दिए और 930 में 6 से माइनस कर दिए तो ये आ गया 714 और 924। क्या बोला गया क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी। तो दोस्तों हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि अगर बड़ी से बड़ी बोला जाए, ठीक है, बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ मासा निकालना है, और अगर छोटी से छोटी अगर बात की जाए क्वेश्चन में तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ बड़ी से बड़ी बोला गया है तो आप इस दोनों संख्या का आप एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे, बड़ी संख्या को बीच में रखिएगा, 924 और 714 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये एक मर्दे जा रहा है, एक मर्दे लगेगा 714, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, आई हो जाएगा 2, यानी कि 210। इसके बाद दोस्तों एचसीएफ निकालने का रूल है, अगर नहीं लगेगा तो फिर इसको उतारना पड़ता है, यानी कि 714। दोस्तों अब किससे लगेगा, तो ये 3 से आप देख रहे हैं कि लग रहा है, 3 से आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा 036, 630, 4 में से 0 गया तो 4, ये दोस्तों एक पैचा लेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी ये 8 बचेगा। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों ये 84 आया, अब की बार 84 से 210 में भागा देना, इसमें भागा देना, तो ये कितनी बार में लग रहा है, तो दोस्तों ये लग जाएगा, ये आप अगर 2 से लगाइए तो 4 × 8, 8 × 16, 3 से लगाएंगे दोस्तों तो 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24, यानी कि 3 से ज्यादा जा रहा है, ज्यादा आ रहा है तो आप 2 से लगाइए तो 168, 2 से लगेगा। इसके बाद दोस्तों इसे आप घटा दिए, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ये 10 में से 6 गया तो 4, ये कुछ नहीं। इसके बाद ये 84 दो बार में कट रहा है आपका, यानी कि जब कट जाता है तो जो संख्या आता है यहाँ पे ये आपका एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 42। ठीक है, इसका एचसीएफ 42 निकल के आ गया। तो दोस्तों ये वैसी संख्या कौन सी होगी, तो ये 42 होगी, ये आंसर हो जाएगा 42। अगर वैसी संख्या क्या होगी, तो आप 930 में 42 से भागा दीजिए तो आपका शेषफल 6 आ जाएगा, और 719 में 42 से भागा दीजिएगा तो ये शेषफल 5 आ जाएगा, तो वैसी संख्या आपका 42 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ये माइनस करके एचसीएफ हम दोनों का निकाल दिए थे, और एचसीएफ जो निकल के आ गया वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वह छोटी सी छोटी, चलिए ये छोटी सी छोटी बोल दिया
तभी हम लोग समझ गए कि एलसीएम निकालना है, यहाँ पे एलसीएम का काम होगा। जब बोल दिया छोटी से छोटी, यानी कि हम फर्स्ट वीडियो में बोले थे छोटी से छोटी यानी कि एलसीएम का काम यहाँ पे जरूर आएगा, जिसे 5 कॉमा है, सटा सटा के लिख दिए दोस्तों, 5, 6, 8, 9, 2, 8 और 15 से भाग देने पे शेष फल 3 बचे। ठीक है, ये बोला है वैसी कौन सी संख्या है, मान लिया जाए ये संख्या 660 है, 660 है, अगर हम 5 से भाग देंगे ना तो ये दोस्तों शेष फल 3 आना चाहिए, तो ये संख्या ही निकालना है। ये संख्या हम समझाने के लिए लिखे हैं दोस्तों, इस संख्या को निकालना है, अगर इस संख्या को आप निकाल दिए तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस संख्या को हम किस तरह से निकालेंगे, इसी में आज हम इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में सीखेंगे। हम बोले थे छोटी से छोटी यानी कि एलसीएम, तो क्या दिया हुआ 5, 6, 8, 9, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 6, 8, 9, 12, 15, इसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से। 4 मेथड बताए थे दोस्तों, हम गुणनखंड की विधि से निकालते हैं, इसमें 5 × 2 × 3 ये हो जाएगा 2 × 2, 4 × 12, 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, 360 इसका एलसीएम निकल के आ रहा है। ठीक है, आप जिस मेथड से भी निकाल सकते हैं, हम इस मेथड से निकालें तो इस संख्या का एलसीएम कितना आता है 360, बस कुछ नहीं करना है, एक और स्टेप, इसके बाद फाइनल आंसर, इसका एलसीएम आया 360 और शेषफल कितना बचे 3 बचे, तो जो भी शेषफल बचे इस एलसीएम में आप ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये संख्या 360 है, जिसे 5 से अगर आप भाग दीजिएगा तो शेष फल 3 आएगा, 6 से भाग दीजिएगा शेष फल 3 आएगा, 8 से भाग दीजिएगा शेष फल 3 आएगा। चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए 363, 5 से भाग देते हैं 7, 5, 35, 1, ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 2 मरते लगाइए, सॉरी 5 × 2 = 10, देखिए शेषफल 3 आ गया। ये चेक भी कर लिए दोस्तों, आप बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं, ये इसका आंसर 363 आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसमें 4, 8, 12 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में यानी कि हर हाल में उसका शेषफल 2 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वैसी संख्या मान लेते हैं 20 है, जिसमें 4 या 8 या 12 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 2 आता है। तो दोस्तों ये संख्या आपसे पूछा गया है, ये हम मान के चले थे, तो ये संख्या आपको बताना है, तो ये संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन में न्यूनतम, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम का मतलब होता है छोटा और मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ा, तो न्यूनतम बोले यानी कि छोटा बोल रहा है, और दोस्तों हम लोग जानते थे कि छोटा बोलता है तो एलसीएम और बड़ा बोलता है तो मैक्सिमम, यानी कि न्यूनतम बोला यानी कि न्यूनतम का मतलब होता है छोटा, तो 4, 8, 12 का आप एलसीएम निकालना है, तो दोस्तों 2, 8, 12 का एलसीएम निकालिएगा तो ये होगा आपका 24, ये दोस्तों 24 आया, और क्या बोल रहा, आगे क्या बोल रहा, एलसीएम निकाल दिए, इसके बाद आगे बोल रहा भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में यानी कि हर हाल में उसका शेषफल 2 आना चाहिए, तो दोस्तों जो 2 आना चाहिए शेषफल इसमें आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये शेषफल जितना भी देता 3, 4, 5, 6 जो भी देता इसमें हम एलसीएम में ऐड कर देते, तो ऐड करने पे आता है ये दोस्तों 26, जो आपका आंसर होगा, यानी कि वैसी संख्या 26 है जिसमें 4 से भागा देने पे या 8 से भागा देने पे शेषफल 2 आएगा। तो चेक करते हैं, तो ये हो जाता है दोस्तों 6 × 24 जिसका शेषफल 2 आए, बाकी संख्या से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन वही है, टाइप हुई है, सिर्फ क्वेश्चन हम चेंज कर दिए दोस्तों। वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसमें 10, 14, 16, 22 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल अब की बार 4 आना चाहिए, तो दोस्तों ठीक न्यूनतम बोला है तो एलसीएम निकालना है, 10, 14, 16 आप ट्राई कीजिए खुद से, हम आंसर यहाँ पे निकाल रहे हैं,
मिला लीजिएगा। 10, 14, 16, 22 का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 10, 14, 16, 22 का जब एलसीएम निकलेगा तो ये 6160 निकल के आएगा। ये तो एलसीएम निकल के आया। अब आगे क्या बोल रहा है, उसका शेष फल 4 आता हो तो 4 को आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों 6164 ये आपका वैसी संख्या है जिससे भाग देने पे शेष फल आपका 4 निकल के आएगा। अब चेक कर लीजिए, हम चेक यहाँ एक संख्या से कर रहे हैं, बाकी संख्या से आप खुद कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों 6 मरते लगेगा 60, 1 मरते लगेगा 10, ये 6, ये 4, फिर लगेगा 6 मरते तो दोस्तों ये 60, ये आपका 4 देखिए शेष फल निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि ये मेरा, ये दोस्तों ऐसे चेक करने से पता चलता है कि ये आंसर जो निकाल के लाए वो बिल्कुल सही है।